हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित कुमार। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है पोटेंशियल जी। तो अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे इस यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए फिजिकल साइंस से रिलेटेड एग्ज़ाम के वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, फ्रेंड्स मैं अनअकैडमी पर भी एक एजुकेटर हूँ और मैं यहाँ पर आपको लाइव पढ़ाता हूँ। तो अगर आप मुझसे अनअकैडमी पर लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आपको मेरा प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्स लेना होगा, और उस प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्स में डिस्काउंट पाने के लिए आप मेरा रेफरल कोड पोटेंशियल जी का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा रेफरल कोड है पोटेंशियल जी, आप इसका यूज़ करके 10% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। तो जल्दी से आप मेरे इस कोर्स को परचेज़ कर लीजिए। अब हमारी यहाँ पर नई क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, मैं यहाँ पर आपको मैथमेटिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स साथ में पढ़ा रहा हूँ। तो आप आके यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मीन्स मैं यहाँ पर आपको मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स, अभी मेरा जो चल रहा है जुलाई में, और इसके साथ हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स, सही है फ्रेंड्स, और इसके साथ में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम यहाँ पे तीन कोर्सेज को लेके चल रहे हैं। मॉर्निंग वाले में मैं आपको पढ़ाऊँगा मैथमेटिकल और क्वांटम मैकेनिक्स, और इवनिंग वाली क्लासेस में होगा इलेक्ट्रॉनिक्स, सही है फ्रेंड्स। तो आप इसको यहाँ पे जल्दी से परचेज़ कर लीजिए, आप डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड पोटेंशियल जी का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं आज की क्लास में, और आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे रोटेशनल मैट्रिक्स। तो आज हम रोटेशनल मैट्रिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में मैं आपको रोटेशनल मैट्रिक्स इन टू डायमेंशन और रोटेशनल मैट्रिक्स इन थ्री डायमेंशन के बारे में बता चुका हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ पर उसको देख सकते हैं, सही है फ्रेंड्स। तो आप जाकर उसको देख लीजिए, और मैंने कार्ड में भी इसका लिंक दिया हुआ है, तो आप कार्ड पे जाकर भी क्लिक करके मेरे इस वीडियोस को देख सकते हैं, सही है फ्रेंड्स। तो चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है, कंसीडर ए वैक्टर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंसीडर ए वैक्टर पी, या आपको एक वैक्टर पी दिया हुआ है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम ij k। तो द एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द जेड एक्सिस बाय एन एंगल 45 डिग्री। तो द वेक्टर p इन द रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम विल बी, मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में एक आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है ij k, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको एक वेक्टर p दिया हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ पर रोटेट कर रहे हैं अबाउट द जेड एक्सिस, है ना। तो जब हम इन एक्सिस को जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं बाय एन एंगल 45 डिग्री, तब हमको ये बताना है कि जो हमारा वेक्टर पी है इसके नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या वेक्टर होगा, मतलब वेक्टर पी की हमको नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैल्यू बतानी है, सही है फ्रेंड्स। और इसके यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, सही है फ्रेंड्स। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो आपको शायद ये क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ इस क्वेश्चन में वो कहना क्या चाह रहा है, कि अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था, है ना। और सपोज करो ये हमारे पास जेड एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो फ्रेंड्स, आपको ये दिया हुआ है। अब सपोज करो यहाँ पे ये हमारे पास एक वेक्टर, ये आपके पास क्या है, पी, ये आपके पास है, ये आपके पास एक वेक्टर पी है, है ना। और ये आपका क्या है, ये सपोज करो आपका आई कैप है, ये सपोज करो आपका जे कैप है, और ये सपोज करो आपका के कैप है, ये आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है फ्रेंड्स, कि ये जो आपके पास वेक्टर पी है ये आपका किस में है, आई जे के इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को 45 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं अबाउट द जेड एक्सिस। तो मैंने आपको पहले ही बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, कि हम जब वाई एक्स जेड एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारी एक्स और वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट होगी। तो उस केस में
अब सपोज करो हम इसको यहाँ पे रोटेट करते हैं, तो अब मैं अगर इसको रोटेट करता हूँ तो मेरी जो वाई एक्सिस है वो यहाँ पर आ जाएगी, ये वाई एक्सिस यहाँ से यहाँ आ जाएगी सपोज करो, और ये जो एक्स एक्सिस है ये मेरी सपोज करो यहाँ से यहाँ आ जाएगी। सही है फ्रेंड्स, तो ये हो गया मेरा पास यहाँ पे एक्स एक्सिस, तो ये हो गया फ्रेंड एक्स डैश, ये हो गया वाई डैश। अब हम जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो जेड एक्सिस तो मेरी सेम ही रहेगी यानी कि फिक्स रहेगी, तो ये है मेरे पास जेड एक्सिस, मतलब ये मेरे पास जेड एक्सिस है। अब फ्रेंड्स आप ये मत समझ लेना कि एक्स डैश और जेड डैश आपस में सेम डायरेक्शन में है, वो मैंने यहाँ पे, मैं चलो उसको थोड़ा सा और इसको क्लियर करके बना देता हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो हम इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आपके पास क्या है एक्स एक्सिस है ना, थोड़ा सा तो ये आपके पास क्या बना रहा है थीटा, तो फ्रेंड्स ये भी आपके पास क्या बनाएगा थीटा। सही है, और यहाँ पे आपको थीटा कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, और ये भी आपको कितना दिया हुआ है थीटा 45 डिग्री। सही है फ्रेंड, अब ये जो आपके पास नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अब देखो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज हो जाएगा। अब सपोज करो जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ये हमारे पास हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे नया कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये हो गया आपका आई डैश जे डैश और के। सही है, अब हमको इस नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस पी की वैल्यू को फाइंड करना है, तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे रोटेशनल मैट्रिक्स लिखनी है जेड एक्सिस के अबाउट, और वो मैंने आपको बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ये हमारे पास है रोटेशनल मैट्रिक्स अबाउट जेड एक्सिस जब आप उसका एंगल थीटा डिग्री रोटेट करते हैं, तो ये आपके पास कितना होता है कॉस थीटा, फ्रेंड्स ये होता है आपके पास माइनस का साइन थीटा, फिर ये आपके पास होता है यहाँ पे साइन थीटा, और फ्रेंड्स ये आपके पास होता है कॉस थीटा। ये आपका जीरो हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा, ये आपका जीरो, और फ्रेंड्स ये आपका वन, क्योंकि आप जेड एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट कर रहे हो। अब आपको क्या लिखना है, इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना है। तो जेड एक्सिस तो आपका जो ये थीटा रोटेशनल की जो यहाँ पे नई एक्सिस है वो क्या है आई डैश के डैश और जे डैश, तो आपको मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, तो इसको फ्रेंड्स हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। सपोज करो ये हो जाएगा हमारा एक्स डैश, ये हो जाएगा हमारा वाई डैश, और ये सपोज करो हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स जेड डैश, तो आप इसको लिख सकते हैं। और ये हमारे पास क्या है रोटेशनल मैट्रिक्स, और यहाँ पे जो थीटा है वो कितना है 45 डिग्री, तो आप इसको लिख सकते हो कॉस 45, फिर आप लिख सकते हो साइन 45, ये आपका हो जाएगा जीरो, फिर ये हो जाएगा माइनस का साइन 45 डिग्री, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो कॉस 45 डिग्री, और ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका जीरो, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, और ये आपका फ्रेंड्स वन हो गया। और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, अब ये वाला जो सिस्टम है ये हमारा किस में है एक्स वाई प्लेन में, मतलब जो हमारे ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है यानी कि एक्स वाई और जेड, ये हमारे पास ओरिजिनल एक्सिस है। तो अब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हो, तो कॉस 45 डिग्री कितना हो जाता है 1/√2 माइनस का 1/√2, ये आपके पास फ्रेंड्स जीरो, इसी तरीके से 1/√2 ये आपका हो जाएगा 1/√2 फ्रेंड्स ये आपका हो गया जीरो, इसी तरीके से जीरो जीरो और फ्रेंड्स ये आपके पास हो गया वन, इसी तरीके से आप इसको क्या लिख सकते हो 1/2/1। सही है फ्रेंड्स, अब आप क्या करोगे इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लोगे, तो फ्रेंड्स जब आप इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे और जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो फ्रेंड्स जब आप इसको यहाँ पे सिंपलीफाई करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये आ जाएगा माइनस का 1/√2, फिर आपके पास आ जाएगा 3/√2 और फ्रेंड्स फिर आपके पास आ जाएगा वन। मतलब अगर मैं इसको ढंग से लिखूं तो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है एक्स डैश, फिर आपके पास आ रहा है वाई डैश, फिर आपके पास आ रहा है जेड डैश, और ये इज इक्वल टू फ्रेंड, और ये आपके पास क्या है माइनस का 1/√2, फिर आपके पास है 3/√2 और फ्रेंड्स फिर आपके पास कितना है यहाँ पर वन। तो आप इस तरीके से यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। सही है, तो फ्रेंड्स ये आपके पास हो गया। अब अगर आप इसको किस में लिखना चाहते हैं आई डैश वाई डैश जेड के डैश में, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं,
तो फ्रेंड्स ये आपके पास हो जाएगा वेक्टर पी। अब आप देख सकते हैं जे डैश एक्स डैश में हमारा कितना है, माइनस का वन अपॉन अंडर रूट टू, तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस का वन अपॉन अंडर रूट टू आई कैप प्लस, और यहाँ पे वाई डैश में कितना है थ्री अपॉन अंडर रूट टू, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपके पास थ्री अपॉन अंडर रूट टू, ये हो जाएगा आपके पास जे डैश, तो ये आपके पास डैश है, ये आपके पास डैश है, और फ्रेंड्स फिर आपके पास कितना हो जाएगा के, तो यह आपके पास आ गया के डैश। तो देखा आपने ये आपके पास क्या आ गया आई जेड आई डैश के डैश और जे डैश में आपके पास नया वेक्टर आ गया। तो फ्रेंड जो आपका राइट ऑप्शन है वो क्या हो गया ए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो राइट आंसर है वो क्या है ए। और फ्रेंड्स आप इसमें एक बात और देखेंगे कि आपका जो जेड कैप के अलोंग, मतलब जो जेड कैप के अलोंग जो पॉइंट है वो आपका कॉन्स्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बताया था कि जो आपकी जेड एक्सिस है वो तो आपकी क्या कैसी रहती है, आपकी चेंज ही नहीं होती है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप यहाँ पे अपने ऑप्शंस को मैच करा सकते हैं, तो आप देख लीजिए यह हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारा कैसा हो गया राइट हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो के है, जो हमारा के का कंपोनेंट है वो कैसा है कॉन्स्टेंट है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारा के कैसा है कॉन्स्टेंट, इसका जो कंपोनेंट वन है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं इसका कंपोनेंट कितना है वन है। तो फ्रेंड इस तरीके से आप अपने रोटेशनल मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स मैंने अपने पिछले दो वीडियोस के लिंक यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, तो अगर आपको अच्छे से समझना है रोटेशनल मैट्रिक्स 2D में 3D में तो जाकर मेरे उन वीडियोस को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अन अकेडमी पर अगर आप मुझसे टीचिंग अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्स को ले सकते हैं, और उस पर डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड पोटेंशियल जी का यूज़ कर सकते हैं। जुलाई के महीने में मैं मॉर्निंग में आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिकल और क्वांटम मैकेनिक्स, इवनिंग क्लासेस में स्टार्ट करने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो जल्दी से मेरा प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्स ले लीजिए। मिलते हैं आपसे अपने आने वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय।